गाइस, इस वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी ने एलिस को पूरी तरीके से एक्सपोज किया और किया एक और कंटेस्टेंट को घर से बेघर। सो गाइस, सबसे पहले रोहित शेट्टी ने सभी कंटेस्टेंट को ये बताया कि एलिस ने घर के अंदर एक वुमन कार्ड खेला है और जब गॉड ऑफ टाइम का टास्क हो रहा था तब एलिस ने चुम को कहा कि आई एम अ गर्ल और कोई मुझे टच नहीं करेगा, जिसके चलते हम ये टास्क जीत जाएंगे। सभी घर वाले एलिस की वो क्लिप देखकर काफी हैरान हो गए थे। और फिर रोहित ने ये भी बताया कि तुमने घर वालों को चार बार ये कहा कि रजत ने मुझे टच किया है, उसने मुझे मारा है, और मैं सैल्यूट करता हूँ घर की हर एक लड़कियों को, उन्होंने तुम्हारी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और इस मैटर को इनकरेज नहीं किया। एलिस कहते हैं कि मैंने कोई भी वुमन कार्ड नहीं खेला है, जिसके बाद रोहित शेट्टी ये कहते हैं कि कैमरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि तुमने एक वुमन कार्ड खेला है। और रजत भी ये कहता है कि जब एलिस ने कहा था घर वालों को कि मैंने उसको टच किया है और उसको मारा है, तब वो वुमन कार्ड ही खेल रही थी। और लास्ट में फिर रोहित एलिस को ये कहते हैं कि प्लीज एलिस, घर के अंदर तुम भले ही झगड़े करो मगर ये वुमन कार्ड मत खेलो, इससे लड़कों की इमेज खराब होती है। और फिर एपिसोड के लास्ट में रोहित ने ये कहा कि आज एलिमिनेशन जरूर होगा और फिर सभी 6 कंटेस्टेंट का हाथ खड़ा किया और फिर कहा कि जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिलते हैं वो है अर्फिन, और अर्फिन आप घर से बेघर होते हो। और अर्फिन के जाने से सबसे ज्यादा दुख रजत और सारा को ही हुआ, और रजत ने तो अर्फिन को ये भी कहा कि भाई आप चिंता मत करो, मैं सारा जी का ध्यान रखूंगा और अपोजिट टीम की बैंड बजा दूंगा। अर्फिन भी अपने इविक्शन से काफी रोता है। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि एलिस टास्क जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।